आज हम आपको दो मशीन्स के बारे में बताएंगे जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मशीन्स आप अपने घर या फैक्ट्री कहीं पर भी डोमेस्टिक या कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आपको इन मशीन्स में प्राइस, साइज और टेक्निकल डिटेल में सारे डिफरेंसेस बताएंगे और आपको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले नंबर पे सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन है, दूसरे नंबर पे सोना की हैंड नीटिंग मशीन है। सबसे पहले डिफरेंस है डिज़ाइंस का। सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन में आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हैं और सोना नीटिंग मशीन में आप लिमिटेड डिज़ाइन बना सकते हो जो कि आपको मैनुअली नीडल्स ट्रांसफ़र करके बनाने होंगे। इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सुइयों को आगे पीछे करना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिज़ाइन ही बना सकते हो। सेकंड डिफरेंस है कि सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन में आपको डिज़ाइंस बनाने के लिए सिर्फ पंच कार्ड इंसर्ट करना है। जो भी डिज़ाइन पंच कार्ड के ऊपर बना होगा वो ही आपके स्वेटर पर निकल आएगा और आप डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मशीन को रन करना है। तीसरा डिफरेंस है प्रोडक्शन का। सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन में आपकी प्रोडक्शन फास्ट होती है क्योंकि पे एक धागा ही चलता है और आपको यार्न फीडर से धागा हटाकर दूसरा धागा खुद ब खुद मैनुअली लगाना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है साइज एंड वेट। सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन का वेट अप्रॉक्सीमेट 18-20 केजी होता है आफ्टर पैकिंग और सोना हैंड नीटिंग मशीन का अप्रॉक्सीमेट वेट रहता है 9 kg। सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन का साइज़ और सोना हैंड नीटिंग मशीन के साइज़ अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। ये अप्रॉक्सीमेट 42 inches by 6 inches by 8 inches की इसकी डिमेंशंस रहती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सेमी ऑटोमेटिक नीटिंग मशीन में आप एक रिबर बेल्ट की अटैचमेंट कर सकते हैं जिससे आपका सिंगल बेड डबल बेड बन जाएगा और जिसमें आप सिंगल बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आप मशीन के ऊपर रिबर बेल्ट अटैचमेंट लगा लेते हैं तो
उससे आपके सिंगल बॉर्डर निकल जाएंगे, जैसे कि रेडीमेड स्वेटर में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपको पूरे सेट की 60,000 के आसपास पड़ेगी। बाकी प्राइस आप डीलर से भी ले सकते हैं। सोना निटिंग मशीन में आपको सिंगल बेड ही यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको रिबर बेड की अटैचमेंट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। कार्ड वाली सेमी ऑटोमेटिक निटिंग मशीन में और सोना की हैंड निटिंग मशीन में हमने सारे डिफरेंसेस देख लिए हैं, लेकिन अब हम आपको दोनों मशीन्स की सिमिलैरिटीज़ बताएंगे कि दोनों मशीन्स में आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर और क्या क्या फंक्शन सेम देखने को मिलेंगे। दोनों ही मशीन 5.5 गेज में आती हैं, जिसमें आप 3 प्लाई और 4 प्लाई का धागा यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही मशीन्स में आपको 2.5 गेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप मोटा धागा भी यूज़ कर सकते हैं, 6 प्लाई, 7 प्लाई, 8 प्लाई तक। दोनों मशीन्स में आपको 200 नीडल्स देखने को मिलती हैं, जिस पे आप दोनों मशीन्स पे 3 प्लाई और 4 प्लाई का धागा ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मशीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन नहीं है। ये मैनुअली ही यूज़ की जाती हैं और ईज़िली पोर्टेबल हैं, आप कहीं पर भी कैरी करके लेकर जा सकते हैं। इन मशीन्स की ट्रेनिंग के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये मशीन घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। वो गारंटेड ग्रेट ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपको मशीन कैसे चलानी है और कैसे इसकी मेंटेनेंस रखनी है। दोनों ही मशीन्स को आप अपने घर पर सेटअप कर सकते हैं और ईजिली अपने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीन रेडी टू यूज़ होती हैं, इसको आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी टेबल पर, और इसके लिए आपको किसी को भी बाहर से इंस्टॉलेशन के लिए बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन मशीन्स में आप 2-3 घंटे के अंदर पूरा गारमेंट रेडी कर सकते हैं। इन मशीन्स में आप स्वेटर, मफलर, शॉल्स, कैप, सॉक्स, जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के लिए बना सकते हैं।